नमस्ते मेरे दोस्त। वैसे तो गोवा में बहुत सारी जगह है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कि बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दैट। गोवा में हम आते हैं तो नॉर्थ गोवा को जानते हैं, साउथ गोवा को जानते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक जगह है जिसे मडगांव कहते हैं। मडगांव ना तो प्रॉपरली नॉर्थ गोवा में है ना ही साउथ गोवा में है, बीच में आता है, लेकिन यूजुअली इसे साउथ गोवा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो बीच की जो कि बहुत ही साइलेंट और बहुत ही अच्छे बीच हैं। पहला बीच जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है वारका बीच। मैं आ चुका हूँ वारका बीच पे जो कि साउथ गोवा में है। काफी इंटरेस्टिंग है ये जगह, बिल्कुल खाली खाली सा रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में, अगर आपको बीचेस घूमने हैं और आपको शांति चाहिए, आप मतलब लाइक सोलो ट्रैवलर हैं, आप सुकून की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको साउथ गोवा के बीचों में आना है। साउथ गोवा में भी बहुत सारे बीच हैं, जैसे पॉलिलम बीच हुआ, आपका गोंडा हुआ, वो सब में भी बहुत सारे क्राउड होते हैं, लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो आपको इस तरीके के बीच में आना पड़ेगा, लाइक वारका बीच हो गया, बिनोलिम बीच हो गया। इस रेंज में जो भी बीच आते हैं ये सारे बीचों को आपको कवर करना है। तो अभी आ गया हूँ यहाँ पे, काफ़ी शांति है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे एक दो कैफे ही मिलेंगे जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, शाम के टाइम में अच्छी लाइटिंग होती है, आप जगह को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे लग सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो सैंड है ना, वो सैंड का एरिया बहुत ज़्यादा है, और सैंड जो है वो बिल्कुल वाइट है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे एंजॉय। थोड़ा सा लाइक जो साइड एरिया में बीचेज हैं उनको मैप में फॉलो करना भी मुश्किल रहेगा, तो आपको क्या करना है कि लाइक आपको बस लोकल से पूछ पूछ के आ सकते हैं। यहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसे नहीं है कि लाइक आपको बहुत एरोगेंसी दिखाएंगे कि नहीं वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब लाइक वो लोग प्रॉपर आपको हेल्प करेंगे, तो आप उनके गाइडेंस लेकर के भी आ सकते हैं। और आपको हर बीच पे खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है, भले खाने की चीज़ें ना मिले लेकिन पीने की चीज़ें ज़रूर मिलेगी। अगर आप मॉर्निंग में बीच के पास अपना रूम लेते हैं तो बस वॉक करने के लिए आ जाइए, रनिंग के लिए आ जाइए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। और दूसरी जो बीच है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है बिनोलिम बीच। काफ़ी शांत है, काफ़ी मतलब साइलेंट एरिया में है। बेसिकली ये साउथ गोवा में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्राउड थोड़े कम होते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। अगर आपको गोवा घूमना है तो गोवा में आपको नॉर्थ गोवा जाना पड़ेगा, पंजिम साइड में जाना पड़ेगा, वहाँ सारे बीचेज होते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड होते हैं, बहुत तरह के टूरिस्ट आते हैं, अंग्रेज़ लोग आते हैं, बहुत यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन थोड़ा कम है, उतना नॉर्थ गोवा जैसा क्राउड नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया एक देखा, लाइक बच्चों ने बनाया है वो महल, वो बच्चों को प्ले करने के लिए होते हैं, बहुत सारे कप होते हैं, उस कप के हेल्प से बहुत ही अच्छे अच्छे सैंड आर्ट बने हुए हैं। थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो देखने में। गोवा
गोवा में मोस्टली बहुत ही धूप होती है यहाँ पे, मतलब लाइक आप सर्दियों में आओ, गर्मियों में आओ, गर्मियों में और गर्मी। अभी जबकि दिसंबर चल रहा है और नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में बहुत ठंड होती है, उसी समय यहाँ पे गोवा में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारे टेंट होते हैं जिसपे लोग सोए हुए होते हैं, वो सारे टेंट बीच के साइड में बनाए जाते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी उससे रुके। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रसिया वगैरह, वो सब सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा ढक जाते हैं बर्फ़ से, तो लोग, फॉरेनर लोग जो है वो दिसंबर और जनवरी के सीज़न के टाइम में यहाँ पे आते हैं गोवा में, और एक मंथ दो मंथ दिसंबर जनवरी पूरा रहते हैं, समुंदर के बीच में आकर के ही बैठे रहते हैं, बास्किंग करते रहते हैं। बेनालिम बीच पे आते हो तो यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात है यहाँ के कैफ़ेज़। यहाँ के कैफ़ेज़ बिल्कुल ही रोमांटिक वाइब देते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत सारे अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे बहुत ही सीनिक व्यू आपको मिलता है, यहाँ पे अच्छी सैंड, अच्छे लोकेशंस, बहुत सारी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने के लिए। जब हम मडगांव के बीचों के बारे में बात कर रहे हैं तो कोलवा बीच, जो कि मडगांव का सबसे पॉपुलर बीच है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। लेट्स गो देयर। अभी का टाइम दिसंबर का टाइम चल रहा है और दिसंबर के टाइम में कोलवा बीच को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। तो दिन के टाइम में मैं अभी आया हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ ऑफिस के कलीग्स के साथ में, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ यहाँ पे, एक अच्छी वाइब ले लेता हूँ। वैसे फॉरेनर्स की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियंस का क्राउड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। वो लोग अभी नहा रहे हैं उधर, शाम हो चुकी है, जाना है, लेकिन अभी तक उनका स्नान ही खत्म नहीं हुआ है, समुंदर में गोते पे गोते लगाए जा रहे हैं। हो चुकी है शाम, निकलता हूँ मडगांव की ओर, क्योंकि मडगांव में नाइट लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है। मैं वो वाली नाइट लाइफ, पब, क्लब, डिस्को की बात नहीं कर रहा हूँ, नाइट लाइफ करने का मतलब है स्ट्रीट फूड। वैसे तो गोवा में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ही कम है, शून्य है। आप जब गोवा जाएंगे और गोवा में मडगांव जाएंगे, मडगांव में जाने के बाद आपको बहुत सारे ठेले, स्टॉल्स, छोटे छोटे चीज़ें जो खाने के लिए है वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर, गोवा का सबसे पॉपुलर शावरमा जो है वो मडगांव में मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे, लगभग 3-4 शावरमा के शॉप आपको मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी शावरमा ट्राई करने वाला हूँ। कैसा टेस्ट? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे खाने जा रहा हूँ, मोमोज। मोमोज का जो स्टॉल है यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, लेकिन मोमोज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। यूजुअली मोमोज आपको 40-50-60 रुपए के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 रुपीज़ के मात्र 6 पीस मोमोज मिल रहे थे, जो कि टेस्ट में तो अच्छे थे बट इट इज़ कॉस्टली, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू कोलवा, जो कि उतना फेमस बीच नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी सी कॉस्टली आती है। तो दोस्त, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोस में। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।